जय हिंद दोस्तों, स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राशि सिंघल है। मैं आपके साथ स्टैटिक जीके की कड़ी में ये लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस डिस्कस करूँगी। ये क्या होते हैं? देखिए, रिवॉल्यूशन वो चीज़ होती है, ये मान लीजिए जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति आती है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत कम टाइम में रिवॉल्यूशन क्रांति आती है। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब जब समस्या संभाली नहीं गई, समस्या सहन नहीं करी गई, तो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप परिचित होंगे ही, ठीक है ना? ये बात। एक होता है इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन हमारे लेक्चर का मुद्दा है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन डिस्कस करना, ठीक है। खेती का के रिवॉल्यूशन, खेती में आज तक आए दिन तक जितने रिवॉल्यूशन आए, 15-16 जो भी रिवॉल्यूशन थे जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर। देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक थे। अब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति किसने फैलाई थी? एम एस स्वामीनाथन ने फैलाई थी। देखिए क्या था, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो हमारे पास फूड क्रॉप्स की भी कमी थी, ठीक है, खाने वाली चीज़ों की भी कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। हमें अमेरिका से चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ा था और काफ़ी सालों तक करना पड़ा था, लेकिन कब तक करते, ठीक है। 1966-67 का दौर आया तो हमने सोचा जो खाने वाली क्रॉप्स हैं, यानी कि वीट, मेज, ज्वार, राइस, इन पर ही केंद्रित था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन इंडिया में इस रिवॉल्यूशन को लेकर आए, ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और अगर वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आप देंगे नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और इसमें क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारे फार्मर्स वो यूज़ करने लगे, ठीक है। सबसे पहले ये सात डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे 29 नहीं थी उस टाइम स्टेट्स, जितनी स्टेट्स थी उनकी एक एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया, और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में यूज़ होने लगा। इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ सीड्स यूज़ होने लगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ये टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये किसने बोला था इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये बोला था विलियम गाउड ने, ये यूके के थे, और नॉर्मन बोरलॉग यूएस के थे, ठीक है। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उससे हमारे जो फार्मर्स थे वो लिटरेट हो गए। पहले वो इलिटरेट थे, उन्हें नहीं पता था मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उनकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई। पहले हम अमेरिका से इम्पोर्ट किया करते थे, बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वन ऑफ द एक्सपोर्टर बने, ठीक है, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, ठीक है। हमारे फार्मर्स रिच हो गए। वैसे रिच की तो बात ये थी कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे जिनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा था, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा था या इतना ही था, वो रिच हो गए। बाकी लेबरर्स जो थे उन्हें काम मिल गया, ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स थी हम ज़्यादा लेने लगे एक साल में, ठीक है, ज़्यादा ग्रो करने लगे। अब आगे आते हैं अपने वाइट रिवॉल्यूशन पर। देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड था मिल्क के उत्पाद से, ठीक है, मिल्क को बढ़ाने के उत्पाद से वाइट रिवॉल्यूशन केंद्रित था। ऑपरेशन फ्लड भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम कोऑपरेटिव लेवल पर लेकर आए वाइट रिवॉल्यूशन को। जो मिल्क था हमारा क्या हुआ करता था, बहुत छोटे छोटे हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको रोजगार अर्न करने के लिए कोऑपरेटिव बनाया गया। वर्गिस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये एक इंसान थे जिन्होंने अमूल की स्थापना करी, ठीक है, कहाँ करी थी, आनंद गुजरात में करी थी।
ये कुछ फेजेस हैं ऑपरेशन फ्लड के, ये स्टार्ट हुआ था 1970 में, तीन फेजेस में ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये सिक्स प्लान में 1981 से 85 के बीच में रहा, फेज़ थ्री में 1985 के बाद से 1996 तक ये ख़त्म हो गया था। और आपको पता है हमारे इंडिया में काउज सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा काउज हैं तो वो इंडिया में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं येलो रिवॉल्यूशन की। ये ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, उनका उत्पाद बढ़ाने के लिए था, स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, इनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए। और सैम पिट्रोडा को फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन बोला जाता है। आज तक देखें तो इंडिया लार्जेस्ट ऑयल इकोनॉमीज़ में है वर्ल्ड में, ठीक है। हम ऑयल सीड्स की क्रॉप्स में जो सरसों का तेल होता है, जो मस्टर्ड होता है, ठीक है, उसे बढ़ाने में हमारी एक अच्छी अलग पोजीशन है। और नेट इम्पोर्टर स्टेटस से हम सेल्फ सफिशिएंट के स्टेटस में आए 90s के दशक में, ठीक है, जब ये येलो रिवॉल्यूशन आया, सैम पिट्रोडा ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से फादर हैं इस रिवॉल्यूशन के, तो आपको ये चीज़ याद रखना है और कौन से क्रॉप से रिलेटेड या कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड वो रिवॉल्यूशन था, ठीक है। यहाँ मैंने पिक्चर्स इसलिए ही लगाई हैं कि आपको याद रहें ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन पर। हरित नील क्रांति मिशन भी बोला जाता है इसे। ये इंडिया में फिशेस और मैरीन प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन कहाँ होता है वर्ल्ड में? चाइना में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1960 में स्टार्ट हुआ था, इसके फादर थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। नेक्स्ट पिंक रिवॉल्यूशन। देखिए पिंक रिवॉल्यूशन अनियन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फार्मास्यूटिकल और प्रॉन एक सी फूड होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये पिंक रिवॉल्यूशन आया था। इसके फादर दुर्गेश पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के प्रोडक्शन को, लेदर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, कोकोआ क्या होता है, जिससे चॉकलेट बनती है, ठीक है। और ये हमारे ट्राइबल एरियाज़ में फर्स्ट टाइम किया गया, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। और जो ट्राइबल एरियाज़ थे उन्हें बताया गया, उन्हें एनकरेज किया गया कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कॉफ़ी कैसे उगा सकते हैं जिससे वो डिमांड को पूरी कर सकें, ठीक है। प्रॉन एक सी फूड होता है, मैं पिंक रिवॉल्यूशन में आपको बताना शायद भूल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन। देखिए ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र खाद से रिलेटेड था, ठीक है, ग्रे कलर की होती है ज़्यादातर खाद, इसलिए ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड था, बस आपको इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट सिल्वर रिवॉल्यूशन। देखिए ये एग के प्रोडक्शन, अंडा उत्पाद से रिलेटेड था, ठीक है। इंदिरा गांधी को इसका जनक बोला जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड था, क्रूड ऑयल से रिलेटेड था। देखिए हम जैसे नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनसे जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इंपोर्ट हम ना करें, उसके लिए ये रिवॉल्यूशन लाया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज तक भी उन इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, कि धीरे धीरे हमारा जो उन पर डिपेंडेंस है वो कम होगा ही, ठीक है, ऐसी हम आशा करते हैं। अब वॉयलेट रिवॉल्यूशन, ये ऊनी प्रोडक्ट्स के उत्पाद को बढ़ाने के लिए था, ठीक है, ऊन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे। देखिए ऊन जो हमें शीप से मिलती है, और सबसे ज़्यादा शीप जो हैं वो इंडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब भेड़ होती हैं शीप। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट से रिलेटेड था, हनी के प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से था। देखिए इन प्रोडक्शन से, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट वगैरह से फार्मर्स जो हैं हमारे, किसान जो हैं उन्हें अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं। इसके फादर निरपक टूटेज को बोला गया। और ये याद रखिए इंडिया में जो, अगर इंडिया में बोलें फ्रूट्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए वर्ल्ड की मैं बता देती हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो उत्पाद करता है, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का उत्पादन होता है वो चाइना में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट गोल्डन फाइबर। देखिए कन्फ्यूज़ मत होइए, गोल्डन रिवॉल्यूशन और गोल्डन फाइबर से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे ये जूट के थैले बनते हैं ना, इनसे रिलेटेड है, ठीक है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया जिससे हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकें, ठीक है, इसलिए किया गया होगा हमने जूट के थैले बनाए, राइट। अब देखिए
अब मेरे को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताइए कमेंट सेक्शन में, एक आंसर बताइए क्वेश्चन का, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पाद कौन से कंट्री में होता है वर्ल्ड में, और इंडिया की भी बताइए, इंडिया में होता है और कौन सी स्टेट में होता है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, इसको सिल्वर रिवॉल्यूशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिल्वर फाइबर कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। अब रेड रिवॉल्यूशन पर आते हैं, ये मीट के प्रोडक्शन टमाटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसके फादर विशाल तिवारी को कहा जाता है, रेड रेड टमाटो होते हैं, ठीक है आपको याद रह जाएगा। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है, अब मेरे को ये बताइए पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ, पोटैटो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रशिया में होते हैं, राउंड से याद रखिएगा रशिया, ठीक है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट प्रोटीन रिवॉल्यूशन, इसे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रिवॉल्यूशन किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम अरुण जेटली, उन्होंने ये रिवॉल्यूशन किया, ठीक है वो ये प्रोटीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, और हमारी जो फार्म सेक्टर में ग्रोथ है उसे 4% रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए कि इतनी तो रहे, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाए वो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रोटीन रिवोल्यूशन नज़र में आए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द लेक्चर मेल मी ऑन 16srashi@gmail.com, देखिए मैं अपनी आईडी लिख देती हूँ यहाँ पे 16srashi@gmail.com, या मेरी FB प्रोफाइल है राशि सिंघल के नाम से, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, और पढ़ते रहिए।